जहन दोस्तों, एक हमारे सेना के जवान की दर्दनाक मौत। ट्रेन में उतरते समय उसका पीठ में जो बैग टांग के रखते हैं हमारे बहुत सारे जवान, फंस जाता है और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और ट्रेन के साथ बैग फंसा हुआ होता है। हमारा जवान घसीटता हुआ प्लेटफॉर्म पर जाता है, कोटा प्लेटफॉर्म पर, और वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ एक हमारा सेना का जवान जिसका नाम है गौतम, राइफलमैन गौतम, 3 कुमाऊं रेजिमेंट का है। वो छुट्टी जाता है, अपने यूनिट से रिवीजन कराता है देहरादून का, और छुट्टी एक महीने की बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि 4 दिन बाद उसकी होनी थी वाइफ की डिलीवरी, और डिलीवरी के लिए वो छुट्टी जाता है बड़ी मुश्किल से। जल्दबाजी हड़बड़ाहट में जाकर के ट्रेन में रिवीजन कराता है, कोटा तक आता है, कोटा से उसको ट्रेन बदलनी थी, गलती से प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन में बैठ जाता है और वो ट्रेन चलने लगती है। उसको पता चलता है नहीं, मुझे सामने वाली ट्रेन में बैठना चाहिए था, और जल्दबाजी में उतरता है और पीठ पे बड़ा वाला जो हम पीछे एक बैग है उतर जाता है, और बैग का एक स्ट्रैप है जो कुंडी में फंस जाता है, और ट्रेन चल रही होती है, बैग फंस जाता है और जवान घसीटता हुआ दोस्त हो जाता है और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े दुख की बात है, जिस तरीके से जवान को आइडेंटिफाई किया गया, उसकी यूनिट में कॉल किया, यूनिट से वहां से जवान आए, आज उसका अंतिम संस्कार देहरादून यानी चंपावत जिले में हो रहा है। लेकिन घर में मातम है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, क्यों नहीं होगा। उसकी वाइफ और एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, और एक डिलीवरी 4-5 दिन बाद होने वाली है। ऐसा मातम जिसको अब इससे हम क्या सीख ले सकते हैं, ये भूल कहें, जल्दबाजी कहें, हड़बड़ाहट कहें या कॉन्सिडेंस कहें दोस्तों, लेकिन हमने लेना है सबक। प्लीज, जब भी आप कहीं छुट्टी जाते हो, बहुत बार देखा है ये पीठ पर टंगा हुआ बैग हमें कहीं ना कहीं इंसिडेंट की ओर इशारा कर देता है, कहीं किसी के बगल में फंस जाता है, बाइक चलाते समय ही ये फंसा हुआ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। प्लीज मेरे बहादुर जवानों, छुट्टी जाते भी हो तो जल्दबाजी नहीं, थोड़ा पेशेंस रखें, तसल्ली रखें। थैंक यू दोस्तों।